नमस्कार, मैं संगीता राय पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूं। और सीधे चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो आजमगढ़ से है। देखिए हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में रोगियों के इलाज के साथ साथ अब न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई भी होगी। सेंटर में नीट परीक्षा के माध्यम से DNB MCH न्यूरो सर्जरी पाठ्यक्रम में प्रवेश होगा। इस डिग्री की मान्यता विश्व के हर क्षेत्र में है। रविवार को हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। जनपद के न्यूरो से संबंधित मरीजों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009 से लाइफलाइन हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। एक दशक में इस हॉस्पिटल ने न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि DNB MCH न्यूरो सर्जरी के पाठ्यक्रम की शुरुआत आजमगढ़ में होना गौरव की बात है। इस पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए हमने वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने संसाधनों को विकसित किया। इस सत्र में नीट की काउंसलिंग के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश होगा। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान ने न्यूरो सर्जरी की एक विभाग के रूप में विकसित किया है। वर्तमान में न्यूरो सर्जन डॉक्टर नरेश कृष्णानी एवं डॉक्टर आशीष तोमर अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। विभाग को सहायता देने के लिए अन्य विभागों को भी पूर्णतया विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप, नर्व मॉनिटरिंग, ब्रेन मैपिंग, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर, एंडोस्कोप, अत्याधुनिक ड्रिल मशीन और पूरी तरह से मॉड्यूलर ऑपरेटर कक्ष के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल का न्यूरो सर्जरी विभाग देश के चुनिंदा न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल के समकक्ष हो चुका है। उन्होंने बताया कि न्यूरो सर्जरी के लिए साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार हमारे संस्थान में किनोवे 900 त्रिआयामी 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बेहतर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइफलाइन हॉस्पिटल जटिलतर बीमारियों से कठिन ऑपरेशन के लिए अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश कृष्णानी, डॉक्टर आशीष तोमर, डॉक्टर रामा देसाई, डॉक्टर शंकर बाबू, डॉक्टर गायत्री कुमारी समेत सभी कंसल्टेंट उपस्थित रहे। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया। हमें खुशी इस बात की कि पूर्वांचल की जनता के भरोसे और विश्वास के कारण आज हम लोगों ने देश के 45वें DNB और उत्तर प्रदेश के 6ठे न्यूरो सर्जिकल संस्थान का रूप ले लिया। आज तक लाइफलाइन हॉस्पिटल जो एक न्यूरो सर्जिकल हॉस्पिटल के रूप में अपनी पहचान रखता था, आज वो देश में एक न्यूरो सर्जिकल इंस्टीट्यूट, एक न्यूरो सर्जिकल संस्थान की अहमियत रख रहा है। अभी पिछले एक साल की जो हमारी प्रक्रियाएं चल रही थी इसके लिए संस्थान के बनाने के लिए, पिछले महीने हमारे संस्थान को इंस्पेक्शन किया गया और फिर इस बार नीट एग्जामिनेशन के लिए हमें अप्रूवल मिला। तो इसी के साथ, इस अप्रूवल के साथ हम गवर्नमेंट सेक्टर, जिनमें आप KGMC, संजय गांधी PGI, राम मनोहर लोहिया और BHU को जानते हैं, इसके साथ हम उत्तर प्रदेश के 6ठे संस्थान बन चुके हैं जहां पे अब न्यूरो सर्जिकल पढ़ाई भी होगी। तो यहां से अब लोग जो कि नीट एग्जामिनेशन, जो कि पूरे मेडिकल का कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद MS कम्प्लीट करने वाले छात्र यहां पे न्यूरो सर्जरी विभाग में न्यूरो सर्जरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पे दाखिला ले सकेंगे और यहाँ से अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वो इस देश विदेश में अपनी सेवाएं भी दे सकेंगे। अभी हमें हर साल एक स्टूडेंट के लिए अप्रूवल मिला है। आमतौर पे शुरुआती लेवल पे एक ही स्टूडेंट को आमतौर पर ऐसे मिलता है, तो हमें अभी हमें एक स्टूडेंट के लिए अप्रूवल मिला है। इसके साथ ही अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, तो अगर हम देखें तो पिछले वर्षों में ऑलरेडी माइक्रोस्कोप, नर्व मॉनिटरिंग, ब्रेन मैपिंग, एंडोस्कोप, अत्याधुनिक ड्रिल मशीनें, अत्याधुनिक मॉड्यूलर OT, जो कि किसी भी देश के बेहतरीन चिकित्सीय संस्थानों में और देश के बेहतरीन कॉरपोरेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स में जो एक सिस्टम था न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन में, वो सारे सिस्टम लाइफलाइन में भी ऑलरेडी थे। तो लाइफलाइन हॉस्पिटल ऑलरेडी इनके इक्विवेलेंट था, लेकिन एक चीज़ जिसने हमें एक अलग जगह दी है आज की तारीख में, वो है किनोवा 900 माइक्रोस्कोप, जो कि
पूरे दुनिया का आज की तारीख का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है। और मुझे खुशी इस बात को शेयर करते हुए कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला 3D किनोवो माइक्रोस्कोप लाइफलाइन ने परचेज किया है। और इस माइक्रोस्कोप को हासिल करने के साथ हमने हमारी जो सर्जिकल एक्यूरेसी है, सर्जिकल एक्यूमेन है, वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। इससे सर्जिकल एफिकेसी, सर्जिकल सेफ्टी ऑपरेशन के दौरान पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं। तो एक पहले भी एक जटिलतम ऑपरेशनों के लिए हम लोग जाने जाते थे और बेहतर रिजल्ट भी ईश्वर की कृपा से हम पाते थे, लेकिन उन बेहतर रिजल्ट्स को हम और बेहतर तरीके से दे सकने में अब और बेहतर तरीके से सक्षम हो चुके हैं। इसमें DNB इंस्टीट्यूट बने हैं। तो DNB के बारे में बताऊँ, जैसे रूटीन मैंने MCH किया डॉक्टर कृष्णानी जी ने और डॉक्टर आशीष तोमर जी ने MCH किया KGMC से, उसी तरीके से KGMC MCI द्वारा एक मान्यता प्राप्त है। इसी तरीके से जो देश के लीडिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी MCS ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये MCS ट्रेनिंग जो होती है वो डिप्लोमेटिक नेशनल बोर्ड के थ्रू होती है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन देश की एक अलग संस्था है, जैसे MCI एक अलग संस्था है, उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक अलग संस्था है जो कि MCI मेडिकल कॉलेजेस को गवर्न करती है। और MBE देश के जितने मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जब कोई इस तरीके का एकेडमिक वर्क हो रहा होता है तो उसको वो उसके थ्रू गवर्न किया जाता है MCI।